नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोश सोलो जिम में। दोस्तों, नए साल को आने में कुछ ही समय शेष है। पुराना साल यानी 2022 का साल कुछ लोगों के लिए अच्छा गया, कुछ लोगों के लिए बुरा गया। अब हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके लिए 2023 का वर्ष कैसा जाएगा। दोस्तों, 2023 के वर्ष में चार बड़े ग्रहों का गोचर संभव है। इन चार बड़े ग्रहों में हैं गुरु, शनि, राहु और केतु। सबसे पहले गोचर शनिदेव का 17 जनवरी की रात में 4:30 बजे के बाद अपनी दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में होगा। बृहस्पति देव का 22 अप्रैल को अपनी मीन राशि से निकल के मंगल की मेष राशि में गोचर होगा। राहु का 30 अक्टूबर से निकल करके मेष राशि से मीन राशि में होगा और केतु तुला से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा। चार बड़े ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा। शनि के परिवर्तन से मकर राशि के लिए उतरती 7.5, कुंभ के लिए मध्य 7.5 एवं मीन के लिए चढ़ते 7.5 का प्रभाव देखना निश्चित हुआ है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, तो जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, चुनाव में विजय, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लाने वाला होगा। यात्रा में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्यगत तनाव के दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहद खास है, क्योंकि वर्ष 2023 के आरंभ में शनि 6ठे भाव में कुंभ राशि से होकर गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल बनेगा। चुनाव में रुचि रखने वालों के लिए नए अवसर दिखाई देंगे। धन खर्च की भी स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। अचानक यात्रा और पराक्रम में वृद्धि का संकेत दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव अवश्य दिखेगा। पैर में चोट की समस्या, पीलिया की समस्या हो सकती है, परंतु धन के दृष्टिकोण से समय सकारात्मक प्रगति वाला होगा। परिवार में नया कार्य, आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई देगा। वाणी पर संयम बरतकर ही कार्य करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये बात थी कन्या राशि वालों के लिए। अगर आप अन्य वीडियो में देखना चाहते हैं किस राशि के लिए कैसा साल रहेगा, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।